यहाँ पे हम बात करेंगे डेनमैन ग्लेशियर के बारे में, जो ऑफिशियली बन चुका है डीपेस्ट पॉइंट ऑन लैंड, यानी प्लानिट अर्थ का सबसे गहरा पॉइंट। अर्थ का करीब 70% पार्ट वाटर है और 30% पार्ट लैंड है, तो उस लैंड का सबसे गहरा पॉइंट है डेनमैन ग्लेशियर। इसके अलावा जानेंगे अर्थ का हाइएस्ट पॉइंट कौन सा है और ओवरऑल डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है और उन सब की लोकेशंस क्या है। अर्थ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट। अगर आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़े हैं तो वो अर्थ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा। इसकी हाइट अप्रोक्स 8,850 मीटर ऊंची है सी लेवल से। कोई भी ऊंचाई या कोई भी गहराई हम लोग सी लेवल को बेस मान कर ही चलते हैं। मान लीजिए ये है सी लेवल और ये है माउंट एवरेस्ट, तो जो माउंट एवरेस्ट है वो सी लेवल से 8,850 मीटर ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट पार्ट है हिमालयाज माउंटेन का, जो नेपाल, जिसकी लोकेशन नेपाल में है। अर्थ के नीचे बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट होती हैं और वो मूव करते रहती हैं। ऐसे ही 60 मिलियन साल पहले दो टेक्टोनिक प्लेट टकराई थी, जिसके कारण हिमालयाज बना, हिमालयाज माउंटेन बना। पूछे कि अर्थ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन है, तो वो है माउंट एवरेस्ट और इसकी लोकेशन नेपाल में है। ज़्यादातर जो पार्ट है हिमालयाज की वो नेपाल में ही आती हैं। कुछ पार्ट इंडिया में है, कुछ पार्ट चाइना में है और कुछ पार्ट पाकिस्तान में है। अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट यानी सबसे गहरा पॉइंट है चैलेंजर डीप। बहुत सारे बुक में मरीना ट्रेंच लिखा होता है, बट जो चैलेंजर डीप है वो एक पार्ट ही है मरीना ट्रेंच का, जो करीब सी लेवल से 10,994 मीटर गहरा है और जो इसकी लोकेशन है वो नॉर्थन पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन में। ये है जापान कंट्री, ये है फिलीपींस और यहाँ पे नीचे है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और ये जो पूरा पार्ट है वाटर जो बॉडीज है ये है नॉर्थन पैसिफिक ओशन और यहाँ पे है मैरीना ट्रेंच, या मोर स्पेसिफिक कही जाए तो ये है चैलेंजर डीप। ग्लोब में देख सकते हैं, बड़े मैप में देख सकते हैं, ये है जापान यहाँ पे, ये फिलीपींस और नीचे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ये जो सारा पार्ट है, ये जो सारा पार्ट है ये है नॉर्थन पैसिफिक ओशन और इसके नीचे है साउथर्न पैसिफिक ओशन। तो जो लोकेशन है चैलेंजर डीप की वो है नॉर्थन पैसिफिक ओशन में यहाँ पे। अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है चैलेंजर डीप, जिसकी लोकेशन नॉर्थन पैसिफिक ओशन में है। बट अगर हमसे कोई ये पूछे कि जो लैंड एरिया है, जो कंटिनेंटल पार्ट है, जो जमीन है अर्थ पे, उसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन है, तो वो है डेनमैन ग्लेशियर, जिसकी लोकेशन अंटार्कटिका में है और जो करीब सी लेवल से 3,500 मीटर गहरा है। ऐसा नहीं है कि इसे अभी डिस्कवर किया गया था, इसे 1912 में ही डिस्कवर कर लिया गया था। बट जो अंटार्कटिका है आपको पता है बहुत ही ठंड जगह है, तो वहाँ पे जो प्रोसेस है रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट की, वो बहुत ही स्लो है। डेनमैन ग्लेशियर ये पूरे साल बर्फ से ढका होता है, फिर भी सोनार सेटेलाइट इमेज और जो साइंटिस्ट जाके वहाँ पर रिसर्च कर रहे थे उनकी पेपर वर्क को स्टडी करी गई और ये कहा गया कि जो डेनमैन ग्लेशियर है वो अर्थ के लैंड पार्ट का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है।